दोस्तों, ये भाई साहब काफी दिनों से, करीब कितने दिन हो गए आपको ये परेशानी से? 3-4 महीने से परेशान है। कोई दवा वगैरह ली है? कोई दवा नहीं ली। परेशानी क्या रहती है? बार बार लेटरिंग जाते हैं और सूखी उल्टी आती है, पेट में चुभन सी हर समय रहती है, पेट में जलन सी भी होती है। ये है कि लेटरिंग इनको बार बार आती है, मतलब 2-3 बार दिन में चले जाते हैं और पेट साफ नहीं हो पाता है और पेट में चुभन रहती है और खाना खाने के बाद तुरंत आप इनको कभी कभी जाना पड़ जाता है, ठीक है जी। तो ये इनकी परेशानी है। अब इनके नले और नाभि चेक करते हैं कि क्या परेशानी है। हाँ दोस्तों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी रोग को पनपने से पहले सबसे पहले आप अपने पेट को जरूर देखें। यदि आपका पेट सही है तो सभी रोग आपसे दूर रहेंगे। पेट में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपका पाचन तंत्र थोड़ा भी गड़बड़ हो गया, जो रस बनाता है आपके शरीर की हड्डी वात पित्त कफ को नियंत्रण रखता है, मतलब बैलेंस रखता है, इसको गड़बड़ नहीं होने देता है, तो सबसे पहले आप अपने पेट को, धरण को, और इसमें जो स्वेलिंग तो नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है, पेट को सबसे पहले चेक कराएं। उसके बाद कोई रोग दूसरा चेक कराएं, क्योंकि आपका पेट सही हो गया तो सभी रोग सही हो गए। और इनसे ही 3 महीने से परेशान है। इन्होंने कोई डॉक्टर का इलाज नहीं कराया, लेकिन मेरे पास आ गए, बोलो अभी के भैया मुझे देखो क्या परेशानी है। तो हमने इनकी नब्ज देखी, नब्ज में इनका जो परेशानी है पेट से संबंधित हमें देखने को मिली, इनसे पूछा। अभी इनके मुंह से ही हम खुद कहलवाएंगे कि भैया कम से कम 50% आराम तो सभी को तुरंत मिल जाता है 5 मिनट के अंदर। अब इनका भी विचार देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, ये जो एरिया है इनका, ये दर्द कर रहा है पूरा, ये पूरा दुख रहा है और ये इनके नले एकदम भरे हुए हैं। 2-3 महीने से परेशान है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको अपने शरीर से। धीरे धीरे ये पतले होते जाएंगे और इनको जो है आम टाइप की बन जाएगी, और फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, इनका सब लीवर वीवर सब इसका खराब कर देंगे। ये जो रोग है ये हल्का फुल्का अल्ट्रासाउंड वगैरह में नहीं आता है, ये तो वैद्य लोग ही इसको पकड़ लेते हैं और ठीक कर देते हैं। अभी हम इनको सिर्फ 5 मिनट में ठीक कर देंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कम से कम 6 महीने का इलाज बोलेंगे कि 6 महीने कम से कम इलाज इसका कराना। 6 महीने में वो दवाइयाँ गर्म खा खा के, केमिकल वाली दवाई खा खा के, नाभि इनकी यहाँ ही रही इस साइड में, नाभि इनकी यहाँ बैठी हुई है, इसी के कारण इनका दस्त बार बार हो रहा है, पतली लेटरिंग आ रही है। ये देखिए यहाँ फंसी हुई है, छोटी सी परेशानी है बस, और दिक्कत इतनी बड़ी बना देती है, शरीर को नहीं बनने देती। थोड़ा लगा कुछ और डॉक्टर के पास जाते तो कितने दिन में आपको आराम दिलाता? डॉक्टर के पास जाते कई बार में मिलता नहीं मिल पाता है। अच्छा, ये क्या कहना चाहोगे दोस्तों से कि आपको कहाँ इलाज कराना चाहिए? मैं तो सभी भाइयों से बहनों से ये कहना चाहता हूँ, जितना भी हो उतना वैद्यों से दवाई लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी दवाई में कुछ नहीं, टाइम कराता है सब कुछ, ठीक भी होता नहीं, इतनी हीट पकड़ जाता है शरीर, इतनी गर्मी हो जाती है। वैद्यों की दवाई से इतना फायदा है कि कोई गर्मी वगैरह होती नहीं है, नॉर्मल आराम भी बहुत जल्दी मिल जाता है। अभी तो आपको कोई दवाई भी नहीं दी हमने, अभी तो नहीं दिया, और आपको 50% आराम मिल गया। तो आप बताइए दवा खाने की क्या जरूरत है?
मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। तो दवा की जरूरत होगी तभी तो दवा दी जाएगी, और दवा क्या जड़ी बूटियां घरेलू नुस्खे दिए जाते हैं, तो दवा नहीं दी जाती इसमें, सिर्फ जड़ी बूटियां होती हैं आयुर्वेदिक, जो स्वास्थ्य खाना खाने की जो होती हैं, जैसे मसाले हो गए या जमीन से निकली हुई जड़ी बूटियां, किसी के कंद हैं, किसी के फल हैं, किसी की छाल है, इनसे जो है जड़ी बूटियों का एक मिक्स पाउडर बनाया जाता है, वालम खीरा तो सभी जानते हैं, इस तरीके से मिक्स करके चूर्ण बनाए जाते हैं, और फिर जो पेट खराब है किसी को तो पेट खराब में दे देते हैं, और यदि भाई का किसी का पेट गैस बनती हो तो हमारे कई वीडियो चूर्ण पे पड़े हुए हैं, जैसे बालम खीरा का चूर्ण हमने बनाने का तरीका डाल रखा है, आप बना करके स्वयं उसको अपने खान पीन में ले सकते हैं, तो बहुत लाभ मिलेगा।